गुड आफ्टरनून क्लास सर, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी सर एस्पेक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनलाइजेशन की, बोलो याद है, जिसमें दोस्तों हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को पढ़ के पूरी तरह खत्म कर लिया था, पूरी तरह खत्म कर लिया था। बोलो तो अभी तक के लेक्चर में किसी को कोई डाउट? एनीवन, कोई डाउट नहीं है सर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, दैट मीन्स BU चैप्टर ट्वेल्व। क्लास कौन सी है ये? फोर्थ है ना, क्लास फोर्थ। और सर आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्डाइजेशन की। दोस्तों बचपन से आपने ये शब्द कई बार सुना होगा स्टैंडर्ड। सर कौन से स्टैंडर्ड में हो? थर्ड स्टैंडर्ड में है, फोर्थ स्टैंडर्ड में है, फिफ्थ स्टैंडर्ड में है, याद है? सो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय स्टैंडर्ड, बताओ। ट्राई करो। क्लास बोल सकते हैं ना, फोर्थ स्टैंडर्ड मतलब हम फोर्थ क्लास में हैं। तो सर स्टैंडर्ड मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, मुझे ये बताओ। सर क्या एक स्टैंडर्ड के बच्चों का माना जाता है कि नॉलेज बराबर है, इनका बुद्धि स्तर दैट मीन्स इनका मेंटल लेवल बराबर है, इनकी मेच्योरिटी बराबर है, इस वजह से वो एक ही स्टैंडर्ड में है, बोलो समझ में आया? ठीक वैसे ही व्हेन गुड्स आर सेट टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, जब गुड्स की बात होती है कि सर वो स्टैंडर्डाइज रहेंगे, दैट मीन्स दे विल रिमेन सेम, वो ज़्यादा वेरी नहीं करेंगे। अगर मैंने बोला ये दोनों मार्कर स्टैंडर्ड है तो तुम देखोगे लमसम ये सेम है, लमसम ये बिल्कुल सेम है, स्टैंडर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। सर्विसेज के विषय में सर सिर्फ गुड्स की बात नहीं होती, सर्विसेज के विषय में भी स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी है। अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो वो भी स्टैंडर्डाइज ही होनी चाहिए। आपको पता होगा आप चाहे गोरखपुर में KFC खाओ, लखनऊ का KFC खाओ, या अमेरिका जाके ओरिजिनल केंटकी, जहां पर खोजा गया था, केंटकी का खाओ KFC, टेस्ट सेम रहेगा। हाउ सर? उनका प्रोडक्ट कैसा है? स्टैंडर्डाइज्ड है। कैसा है? स्टैंडर्डाइज्ड है। सर आप सर्विसेज की बात अगर करते हैं तो आप अगर कस्टमर केयर पे कॉल करोगे, आइडिया में आप कॉल करोगे या वोडाफोन या एयरटेल या जियो जो भी है तुम्हारा, 10 बार 10 कस्टमर केयर के अलग अलग वो उठाएंगे तुम्हारे रिसेप्शनिस्ट, लेकिन उनका वर्डिंग सेम रहेगी। नमस्कार, मैं ये बोल रहा हूँ जियो से, बोलिए मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तुम कोई भी शिकायत करो वो एक ही चीज़ बोलते हैं, बिल्कुल सर हम आपकी समस्या पूरी तरह समझ रहे हैं, आप हमें 5 मिनट का समय दे सकते हैं जिससे हम कुछ इसका कुछ समाधान देखेंगे। सर्विसेज भी स्टैंडर्डाइज्ड है सर, उनको सिखा दिया गया है कि तुमको यही बोलना है, यही स्टैंडर्ड हमारा तरीका है। बोलो समझ में आया? हमारे प्रोडक्ट को बड़ा बनाने के लिए, कल को आप लोग बड़े आगे चल के बड़े बिजनेसमैन बनोगे, अच्छा खासा बिजनेस करोगे, तो सर आपके प्रोडक्ट का भी स्टैंडर्ड होना जरूरी होता है, स्टैंडर्ड होना जरूरी होता है। बोलो समझ में आ गया? रीड करोगे, स्टैंडर्डाइजेशन इन अ मैन्युफैक्चरिंग सेंस, सब मैन्युफैक्चरिंग के सेंस में, यानी जब सामान बनाते हैं, मीन्स अ रिडक्शन लाइन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिक्स टाइप्स ऑफ गुड्स। इसी पैक डिफाइन स्टैंडर्डाइजेशन है सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स और मेजरिंग स्टिक्स बाई विच एक्सटेंट क्वालिटी क्वान्टिटी वैल्यू परफॉर्मेंस और सर्विस में भी गॉज्ड और डिटरमाइंड। सर अंडरलाइन कर लोगे इसमें से ई सी पैक साहब कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन इज नथिंग बट अ मेजरिंग रॉड। क्या है ये? मेजरिंग रॉड कहाँ देखते हो? अब तुम लोग तो रेडीमेड कपड़े खरीदते होगे, अगर जब पहले कपड़े लिए जाते थे थान वाले, सिलवाया जाता था जिनको, तो उनको जब लो तो उनको काटने के लिए कपड़े को लंबी सी स्केल से नापते थे, देखते थे नहीं देखते थे? सर मेजरिंग रॉड, कभी फादर मदर के साथ गए होगे बचपन में, कपड़ा वो लोग अभी भी, कई लोग तो अभी भी खरीद के कपड़ा अलग से सिलवाते टेलर से। हाँ तो सर वो मेजरिंग रॉड है, इन्होंने बोला स्टैंडर्डाइजेशन इज अ मेजरिंग रॉड। ये सर एक मेजरिंग रॉड है जिससे आप क्या नापते हो? क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज और बहुत सारी चीज़ें, जो जो प्रोडक्ट में होनी चाहिए वो सब आप नापते हो स्टैंडर्डाइजेशन से, कि हर प्रोडक्ट में ये इतना फिक्स होना चाहिए। 1 मीटर क्या चेंज हो जाएगा? क्या तुम गोरखपुर में हो तो 1 मीटर कपड़ा और दिल्ली में हो तो 1 मीटर कपड़े के लेंथ में अंतर होगा? आंसर इज नो सर, स्टैंडर्ड रहता है। समझ में आया? ठीक वैसे स्टैंडर्डाइजेशन से हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी सारी चीज़ों को नापते हैं। बोलो क्लियर हुआ? एट वॉटर सेक्टर अ स्टैंडर्ड इज एसेंशियली अ क्राइटेरियन ऑफ मेजरमेंट। सर ये क्राइटेरिया है किसका? मेजरमेंट, यानी नापने का, क्वालिटी परफॉर्मेंस प्रैक्टिस, क्वालिटी परफॉर्मेंस इस्टैब्लिश बाई। देखो अभी कैसे इस्टैब्लिश होता है, तुमने बोला सर चलो ये तो मीटर हो गया, ये तो हमको पता चल गया सर 1 मीटर कुछ लोग खोज करके गए थे। मान लो सर हम मिठाई बना रहे हैं, स्वीट्स, तो स्वीट्स में हम कैसे नापेंगे, उसके लिए कौन सी स्केल आती है? और सर स्केल से तो सिर्फ लेंथ नाप आती है, उससे आप उसकी क्वालिटी कैसे नापेंगे, टेस्ट कैसे नापेंगे, ड्यूरेबिलिटी कैसे नापेंगे?
तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये बने हुए कुछ तरीके हैं, माने जाने तरीके, जैसे मान के चलो काजू के बर्फी का एक स्टैंडर्ड साइज तय हो गया है सर कि इतनी ही बड़ी होती है लमसम वो, है कि नहीं? अगर लंबे में होगी तो थोड़ी पतली हो जाएगी, है कि नहीं? ऐसे ही होती है, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कस्टम से, मतलब रोजमर्रा के जीवन से, है कि नहीं? अब कस्टम में तुमको कैसे समझाओ, मान के चलो ये हो रहा है कि भाई दो पक्ष हैं, ए और बी, ए और बी, इनकी शादी हो रही है, ठीक है? ए जो है वो लड़का है और बी जो है वो लड़की है, ठीक है? सर इनकी शादी में दहेज का लेन देन हो रहा है। डिस्क्लेमर, दहेज डाउरी बहुत बुरी चीज़ है, नहीं लेनी चाहिए, जो ले उनको उसी डाउरी के साथ बांध के समुद्र में फेंक देना चाहिए, लेकिन सर इनकी शादी में दहेज का लेन देन हो रहा है, डाउरी का लेन देन हो रहा है, मुझे बताओ डाउरी कौन दे रहा होगा? लड़की। कैसे तुमने कह दिया? मैंने तो बोला ही नहीं सर, एक कस्टम है सर, समझ में आया? एक कस्टम चला आ रहा है कि ऐसा ही होता है, बोलो समझ में आया? दैट इज व्हाट कस्टम, ठीक है? और फिर से डिस्क्लेमर, वीडियो में बोल दे रहे हैं बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हो तो फिर मुझे बताइए, मैं अपनी तरफ से एक पर्सनल FIR डालूंगा। बोलो समझ में आ गया? ठीक है सर। द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड द कोऑर्डिनेटिंग द इंडस्ट्रियल फैक्टर्स टू कंप्लाई विद दीज स्टैंडर्ड्स एंड, अच्छा कहाँ गया ये? कस्टम्स, कंसेंट और अथॉरिटी। सर या तो कस्टम से बनेगा, जो हम लोग कस्टम देखे हैं, कंसेंट यानी कि सबके हामी भरने से भरेगा, या अथॉरिटी कहीं के बस सरकार बता देती है कि मिनिमम होना चाहिए। जैसे अगर आप प्लास्टिक वगैरह ले रहे हो तो उसमें माइक्रोन सरकार बताती है कि इससे ऊपर का माइक्रोन का प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, खाने पीने की पैकिंग के लिए, खाने पीने की पैकिंग के लिए फूड ग्रेड प्लास्टिक होना चाहिए, समझ रहे हो? कई कई बार सरकार बता देती है तो वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, समझ रहे हो? किस चीज़ में कितनी क्या मिलावट होनी है, मिलावट होनी है सर, अरे केमिकल हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया, मिलता ही नहीं मिलता है, तो वो कितना रहना कितना नहीं रहना कौन बता देती है? सरकार। तो वो भी एक मेजरमेंट हो जाता है, स्टैंडर्डाइज हो जाता है। The setting of standards and the coordinating of the industrial factors to comply with these standards and to maintain them during the periods for which they are effective. ठीक है सर। Difference between standardization and simplification. स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। सर क्या डिफरेंस है बुद्धे बताओ, स्टैंडर्डाइजेशन में और सिंप्लीफिकेशन में क्या डिफरेंस है? What is the difference between standardization and simplification? हाँ, simplification चीज़ों को आसान बना देता है, स्टैंडर्डाइजेशन एक जैसा बना देता है या एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है, समझ में आ रहा है? सर स्टैंडर्ड सेट कर देना, बेंचमार्क सेट कर देना, आप लोग सुनोगे शब्द बेंचमार्क, और सर सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या? चीज़ों को आसान कर देना, जो चीज़ कई सारी प्रोसेस के थ्रू हो गई जाए उसकी प्रोसेस कम कर देना, आसान कर देना, समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस उसके बीच में, ठीक है सर। द अबाउट डेफिनेशन सो दैट ऑल दो सिंप्लीफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन आर डायरेक्टेड एट अ कॉमन ऑब्जेक्टिव नेमली द रिडक्शन ऑफ डायमेंशन। ये क्या बोल रहे हैं? दोनों का ऑब्जेक्टिव एक होता है, कई सारे जो आयाम है, डायमेंशंस है, कई सारी जो चीज़ें हैं, अब तुम्हारी मिठाई बन रही 75 तरह की मिठाई बन जा रही है, स्टैंडर्डाइजेशन भी कहता है स्टैंडर्ड कर दो इसको, 4-5 में स्टैंडर्ड करके फिक्स कर दो, सिंप्लीफिकेशन भी कहता है उसको सिंप्लीफाई कर दो, समझ में आ रहा है? इतने सारे जो तुम्हारे आयाम है, बहुआयामी जिसको कहा जाता है, मल्टी डायमेंशनल, उसको कम कर दो, समझ में आ रहा है? ये कह रहे हैं यहाँ पे तक तो सेम है, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू विच आर द मोस्ट इकोनॉमिकल स्टैंडर्डाइजेशन इज कंसर्न, अंडरलाइन कर लोगे, स्टैंडर्डाइजेशन इज कंसर्न प्रिंसिपली विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और प्रोसेस। सर वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में हम पूरी फैक्ट्री की बात करते थे और स्टैंडर्डाइजेशन में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करते। सर काजू की बर्फी की बात हो रही है तो हम काजू की बर्फी को ही स्टैंडर्डाइज करेंगे, बोलो समझ में आया? इसको कैसे ना कैसे हम स्टैंडर्डाइज कर दें। अच्छा, रियल लाइफ में स्टैंडर्डाइजेशन का कोई एग्जाम्पल तुमको देखने को मिलता है, या चीज़ें स्टैंडर्डाइज होती हैं और उससे उस कंपनी को बेनिफिट मिला हो? बोलो, मोबाइल। अच्छा, और बेटर एग्जांपल? दूध, दूध के पैकेट स्टैंडर्ड रहते हैं सर, वेरी गुड। और पास्चराइज रहेंगे वो रहेंगे, चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट, मैगी के पैकेट सर स्टैंडर्डाइज हैं। तुमको पता है मैगी खोलेंगे इतने ग्राम मैगी मिलनी है, उसके अंदर एक मसाला का पैकेट मिलना है, स्टैंडर्डाइज है कि नहीं? बोलो। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर, बैग, मार्कर, मोबाइल, ट्राईपॉड, बेस्ट डिस्क बेंच, सब सब इसके एग्जाम्पल है, बोलो समझ में आया? स्टैंडर्डाइजेशन, बोलो क्लियर है? ओके। सिंप्लीफिकेशन इज कमर्शियल एंड सेलेक्टिव, इट्स पर्पज टू डिटरमाइन विच साइजेस आइटम्स और वेराइटीज ऑफ द प्रोडक्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टू कंसंट्रेट प्रोडक्शन सो फार एज पॉसिबल अपॉन देम। यहाँ पे एक लाइन बोला है कि सर सिंप्लीफिकेशन इज कमर्शियल एंड सेलेक्टिव। सिंप्लीफिकेशन में हम जब भी बात करते हैं, हम बात करते हैं पूरे बिजनेस की, कि सर हम कई सारे प्रोडक्ट थे, ए बी सी
मान के चलो एक ये प्रोडक्ट था, एक ये प्रोडक्ट था, एक ये प्रोडक्ट था, एक ये था, एक ये था, ऐसे करके दुनिया भर के प्रोडक्ट्स थे हमारे। सिंप्लीफिकेशन कहता है कि सर आप देखोगे आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिक रहा है, सबसे सस्ते में कौन सा बन रहा है, आपके लिए बना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा, आपको लगा सर ये बेनिफिशियल है, ये बेनिफिशियल है और ये बेनिफिशियल है, ये तीनों बनाओ बाकी सबको हटा दो। बोलो याद है पढ़े थे हम लोग सिंप्लीफिकेशन में। स्टैंडर्डाइजेशन कहता है कि इसी एक प्रोडक्ट को पकड़ो, इसको पकड़ लिया तुमने, अब इसको स्टैंडर्ड बनाओ कि सारे इसकी यूनिट सेम हो, क्वालिटी के हिसाब से सही हो, ये खरा उतरे, हमारा जो बाजार है उसमें जो सबके मानक के हिसाब से खरा उतरे, ये समझ में आ रहा है, दैट इज व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन। क्लियर हो गया? बोलो। स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निकल एंड क्रिएटिव, इट सीक्स टू एस्टैब्लिश इन यूज एंड प्रैक्टिस द बेस्ट डिजाइन। अंडरलाइन करोगे, बेस्ट डिजाइन ले आइए, बेस्ट साइज ले आइए, बेस्ट क्वालिटी ले आइए, बेस्ट मेथड ले आइए, अ प्रोसेस फॉर परफॉर्मिंग द डिजायर्ड फंक्शन। मैन अ मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस रिड्यूसेस हिज लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन्स फ्रॉम 5 मॉडल्स टू 2, ही हैज सिंप्लीफाइड हिज लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स। एग्जांपल दे रहा है सर, सर एक इंसान जो इलेक्ट्रिकल सामान बनाता था, 5 सामान बनाता था, उसने कहा नहीं भाई 2 ही बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, तो ये क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन। क्या हो गया ये, सिंप्लीफिकेशन। लेकिन सर उसने कहा कि जो प्रेस हम बना रहे हैं ना, इसी को स्टैंडर्ड कर देंगे, सारे प्रेस बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम लगेंगे, जुड़वा भाई लगे हुए लाइन से, तो क्या हो गया वो स्टैंडर्डाइजेशन। क्या हो गया वो स्टैंडर्डाइजेशन। व्हेन द सेम मैन्युफैक्चरर एस्टैब्लिशेस फॉर ईच मॉडल अ पर्सन हीटिंग एलिमेंट ऑफ अ सर्टेन वॉटेज डिजाइन। सर सबके लिए एक सर्टेन वॉटेज और डिजाइन का हीटिंग एलिमेंट ले आएगा, जैसे मान लो वाटर हीटर हो गया, प्रेस ही हो गया, तो वही क्या कहलाएगा, अ बिवलेट सोल प्लेट विद अ टेपर टू एंड मेड फ्रॉम अ कास्टिंग अ फिनिश टू क्रोम प्लेट ऑफ। ये प्रेस की ही बात भी कर रहा है, देखो इत्तेफाक की बात, देखो हम एग्जाम्पल भी प्रेस का लिए, प्रेस की ही बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, अ बिवोल्ड सोल प्लेट, नीचे जो प्लेट लगती है, प्लेट लगती है ना, विद अ टेपर्ड टो, ऊपर की चीज नुकीली हो हल्की सी, टेपर टो, एंड मेड फ्रॉम अ कास्टिंग अ फिनिश फॉर क्रोम। कास्टिंग आयरन यानी कि तुम्हारा एक तरह का लोहा होता है, वो कच्चा लोहा होता है, शाइन नहीं करता है वो, और उसके ऊपर क्रोम चढ़ा दिए, क्रोम जानते हो जो लोहे के ऊपर लगता है तो चमकता है, जैसे गाड़ियों के आगे लगता है क्रोम, गाड़ियों के आगे देखो ना मारुति सुजुकी के, चमकता रहता है बिल्कुल, क्रोम होता है वो। प्लेट फॉर अ स्पेसिफिक थिकनेस एंड ऑल्सो वेन ही स्टिपुलेट्स दैट ईच आयरन, आयरन मतलब प्रेस, विल बी अ 5-year गारंटी, और सबके लिए क्या दे दी, 5 साल की गारंटी दे दी। ही इज सेड टू हैव एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स, तब वो क्या हो गया सर, स्टैंडर्डाइजेशन। क्या हो गया स्टैंडर्डाइजेशन, समझ में आया? देखो हम लोग की सोच और राइटर की सोच कितनी मिलती है, अब तुम लोग बोलते हो सब्जेक्ट हार्ड है। ऐसा है क्या, कुछ नहीं है सर। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्डाइजेशन में भी इंट्रोड्यूस्ड फॉर एनी वन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पर्पजेस। हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 4 पर्पज के लिए स्टैंडर्डाइजेशन आ सकता है सर। नंबर 1, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स। सर ये बर्फी वो बर्फी, ये मिठाई वो मिठाई, स्टैंडर्ड कर दो ना सर, एक टाइप की काजू बर्फी बनाओ, तो यानी कि सर इतनी सारी प्रोडक्ट लाइन हटा के एक बनाया। अब तुम यहाँ कंफ्यूज हो गए सर, तुरंत कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये सिंप्लीफिकेशन में भी कई सारों को हटा के कर रहे थे, यहाँ पे भी इसको कई सारों को हटा के कर रहे हैं। बोलो सर, सिंप्लीफिकेशन में भी हमने कई सारे प्रोडक्ट्स को हटा के कुछ प्रोडक्ट चुने थे, और स्टैंडर्डाइजेशन में बोल रहे कि कई सारी बर्फी को हटा के एक टाइप की बर्फी चुनी। सर यहाँ एक ही प्रोडक्ट में कई वैरायटी हो जा रही थी, समझे, एक ही प्रोडक्ट में कई वैरायटी हो जा रही थी, और वहां कई सारे प्रोडक्ट्स की वैरायटी थी, नहीं समझे, आओ फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। रुक जा समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम किस लिए हैं, देखोगे। ये रहा तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन, अरे लग रहा है सर ने होलसेल में इंक डाल दी इसमें आज, चलो ठीक है। देखोगे ये रहा तुम्हारा सिंप्लीफिकेशन। बोलो दिख रहा है, अरे बोलो भाई, ये एफ है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। इसमें क्या है, रिड्यूसिंग मान के चलो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू फ्यू प्रोडक्ट्स। सर सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स की वैरायटी को कम करके कुछ वैरायटी ले आते हैं, यानी कि फ्यू प्रोडक्ट्स पे ले आते हैं अपने आप को, समझ में आया। सर मिठाई की दुकान थी, हम मान के चलो नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक की सारी मिठाई बना रहे थे, तुम्हारा रसगुल्ला, काजू की बर्फी, और क्या होता भाई मिठाई में,
काला वाला रसगुल्ला, छेना, राजभोग, रसमलाई, और बताओ। हाँ, मिल्क केक, वेरी गुड। और क्या होता है? लड्डू, बेसन, बेसन का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, मावा का लड्डू। और सर खत्म ही नहीं हो रहे, इतने सारे बना रहे थे। हमने कहा नहीं भाई, हम सिर्फ चार बनाएंगे, काला वाला रसगुल्ला, सफ़ेद वाला रसगुल्ला, काजू की बर्फी और बेसन का लड्डू, चार बनाएंगे। दैट इज़ वॉट इज़ सिंप्लीफिकेशन। समझ में आया? लेकिन सर जब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्डाइजेशन की, स्टैंडर्डाइजेशन, स्पेलिंग चेक करते रहना मेरी, कोई भरोसा नहीं है कब गलत हो जाए। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग वराइटीज विद इन द सेम, देखना, विद इन द सेम प्रोडक्ट। सर सेम प्रोडक्ट के अंदर ही वैरायटी आ रही थी। मेरा एक सफेद रसगुल्ला अब दूसरे सफेद रसगुल्ले का चचेरा भाई लग रहा था, एक छोटा था एक बड़ा था। बोलो क्या ये गलत है? द आंसर इज यस सर, ये गलत है। मूंगफली बेच रहे थे सर, कुछ मूंगफली आधी पक्की आधी कच्ची थी, कुछ मूंगफली जल गई थी, ये हो गया तुम्हारा गलत। तो हमने सर सेम प्रोडक्ट के अंदर ही चीजों को चेंज कर दिया, उनको स्टैंडर्ड कर दिया। बोल समझ में आया? दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। मैं चाहूंगा इसको एक बार बुक में लिख लूं। इन चीजों को बड़े आसानी से भी बताया जा सकता था, जो आपकी बुक ने नहीं किया है, उसने खुद ही आपको कंफ्यूज किया है। अगर आप कंफ्यूज होते हो तो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। फिर हो जाए तो बताना। हो गया बेटा, हो गया बेटा, चलो ठीक। तो आ जाओ सर, आगे बढ़ते हैं। सर ये बोल रहा था, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्डाइजेशन मे बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर एनी वन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर पर्पजेज। सर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्डाइजेशन में चार पर्पजेज हो सकते हैं। नंबर वन था टू रिड्यूस गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फिक्स टाइप्स, यानी सर ये वाली बात समझ में आया, एक ही प्रोडक्ट में वैरायटीज को कम कर देना। नंबर टू, टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। सर चीजें स्टैंडर्ड होंगी ना, तो आपस में अगर मशीनें बना रहे हैं तो उनके पार्ट्स इंटरचेंजेबल होंगे। जैसे मान के चलो, थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन का एग्जांपल है कि कुछ कुछ पार्ट्स जो पैशन के होते हैं वो स्प्लेंडर में लग जाते हैं। पैशन स्प्लेंडर जो बाइक है, स्प्लेंडर के कुछ पार्ट्स पैशन में लग जाते हैं, पैशन के कुछ पार्ट्स स्प्लेंडर में लग जाते हैं। एक्टिवा 4G की सीट कवर एक्टिवा 6G में भी लग जाता है। समझ रहे हो? स्टैंडर्डाइजेशन है सर, उसके बेनिफिट्स हैं। बोल समझ में आया? नंबर थ्री, टू एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्वालिटी इन मटेरियल। मतलब सर चीजें स्टैंडर्ड होंगी तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? क्वालिटी में एक्सीलेंट होगा, क्वालिटी में एक्सीलेंट होगा। क्लियर हो गया? और नंबर फोर, टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स। और सर मैन और मशीन कैसे परफॉर्म करेंगे उसकी स्टैंडर्ड को भी तय कर देना। बोलो क्या समझ में आया? और यही हमारा होता है स्टैंडर्डाइजेशन खत्म। आगे से पॉइंट्स ईजी हैं। मैकेनाइजेशन, बोलो भाई, यथासंभव मशीनों का प्रयोग करिए। बोलो समझ में आ रहा है? ऊपर लिख लोगे यूज मशीनरी, यूज मशीनरी इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो मशीन का प्रयोग करिए, नहीं है तो मत करिए भाई, जबरदस्ती थोड़ी है। रीड करोगे, इट इन्वॉल्व्स रिलायंस ऑन मशीन्स
देन ऑन मैनुअल लेबर. रिलायंस मतलब रिलाई करना, भरोसा करना, यूज करना. सर मैनुअल लेबर से बेटर क्या है, कुछ बोला क्या ये? ठीक है, तो मैनुअल लेबर से बेटर है किस पे करिए, मशीनरी पे काम करिए. एंड टू हेल्प इन स्टैंडर्डाइजेशन एंड टू गिव हायर रिटर्न्स टू द इंडस्ट्रीज. समझ में आया? सही है ना, चल रहा है ना? ठीक है. नंबर टू, इंटेंसिफिकेशन. सर ये क्या चीज होती है इंटेंसिफिकेशन, कभी सुने हो? आप देखते हैं, इट एंटेल्स अ ग्रेटर स्पीड ऑफ इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड ऑफ वर्कर्स एंगेज्ड विदाउट एनी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट. सर स्पीड को बढ़ा देना, स्पीड को बढ़ा देना बगैर किसी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के, ये कैसे सर? हाउ? देखोगे, इन अदर वर्ड्स इट मींस मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑपरेटिंग मशीन्स एट अ हायर स्पीड एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विदाउट इंट्रोड्यूसिंग सब्सटैंशियल चेंजेस इन द मशीनरी. यानी सर जो है उसका अच्छे से प्रयोग करिए. समझ में आया? आपकी मशीन की स्पीड आप धीरे धीरे चला रहे हैं, मशीन की स्पीड बढ़ा दीजिए, मशीनरी की स्पीड बढ़ा दीजिए. लेबर को कहिए तुम काम करो भाई, तुम काम करो, मशीन तेज चलेगी. उससे क्या होगा सर, जो अभी हमारे पास रिसोर्सेज है उसी में हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा. कैसे हो सकता है? मशीनरी की स्पीड बढ़ाई जा सकती है. बोलो, क्या मशीनरी की स्पीड बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है. हाँ, आउटपुट देखो, अगर स्पीड तभी बढ़ाई जा सकती है सर आउटपुट फुल ना हो. अब ऑलरेडी वो फुल पे है तो उसके आगे और नहीं ना बढ़ा देंगे, मशीन टूट जाएगी. नहीं सर, अगर पॉसिबल हो तो मशीन की स्पीड को बढ़ा दीजिए, धीरे धीरे मत चलाइए. समझ में आया? ये तो ऐसा फालतू सा पॉइंट था. नंबर फाइव, स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन क्या होता है सर? स्किल्स. लोगों के स्किल्स को स्पेशलाइज कर देना, किसी एक पर्सन को एक ही फील्ड में लगा देना कि भाई तुम इसी में काम करते रहो. स्पेशलाइजेशन इट मींस दैट इंस्टेड ऑफ मेनी अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग अ नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स और पार्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट्स इज अलॉटेड टू द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. फर्दर द मार्केट्स में भी स्पेशलाइज एग्जैक्ट दैट इज इट में भी डिवाइडेड प्रोडक्ट वाइज. वही बात बोल रहे हैं सर, या तो लेबर का स्पेशलाइजेशन कर दीजिए या तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्पेशलाइज कर दीजिए. सर मोबाइल बना रहे थे तो मोबाइल की बैटरी, स्क्रीन, आईसी, जितनी चीज़ें हम ही बना रहे थे, हटाओ ना सर, मोबाइल का सिर्फ चिप बनाते हैं. कैमरा किसी से खरीद लेंगे, स्क्रीन किसी से खरीद लेंगे, कुछ किसी से खरीद लेंगे, किसी को दे देंगे वो असेंबल कर देगा. बोलो, समझ में आ रहा है? स्पेशलाइजेशन, लेबर का भी स्पेशलाइजेशन हो सकता है. तो वही बात वो कह रहा है. बोलो क्लियर है? कोई डिफिकल्टीज में बेटा आपको? ठीक. फंक्शनलाइजेशन. सर तब से इतनी सारी फालतू शब्द ये बोल रहा है, फंक्शनलाइजेशन, ये वो. क्या रियल लाइफ में इतना ज़्यादा होता है? देखो रियल लाइफ में डिसीजंस रैशनली लिए जाते हैं. मेरे आपके जो डिसीजन है फैक्ट्री उस हिसाब से चलेगी, लेकिन ये सारी थ्योरी है तो इसको पढ़ना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए. समझ में आ रहा है? और सोचो कोई इंसान जो साइंस बैकग्राउंड से आया हो उसके लिए तो ये चीज़ें क्रूशियल है ना, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कैसे क्या होना है. और सर साइंस बैकग्राउंड से भी कई लोग बीकॉम कर लेते हैं, बीकॉम छोड़ो सर सीए कर लेते हैं. समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें इसी वजह से पढ़ाई जानी जरूरी है. ठीक है, फंक्शनलाइजेशन. तुम्हारी क्लास में दो तीन हैं मैथ्स वाले, तो उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ना ये, उनको थोड़ा कॉमर्स के माइंडसेट में डालना, इस वजह से ये सब सिलेबस में है. ये सब कोई मजेदार टॉपिक नहीं, मजेदार टॉपिक अगले सेमेस्टर से आएंगे. समझ में आ रहा है ना? सर जो 11th में कभी नहीं पढ़े थे वो वाले टॉपिक्स आएंगे, अकाउंट्स आएगा. 12th में कभी नहीं पढ़े थे मैनेजमेंट, वो आएगा. 11th में कभी नहीं पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, टीचर आते थे यूं करके कुछ ड्राइंग बनाते थे, हम लोग आते थे वाह 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 सर क्या लाइनें खींची हैं, और फिर वो चले जाते थे. वही वापस आएगा और थोड़ा सा हार्ड वर्क के वापस आएगा. समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं. फंक्शनलाइजेशन थोड़ी बहुत तो उसमें हिस्ट्री का भी टच है, क्योंकि तो इकोनॉमिस्ट के बारे में भी बताया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट के बारे में बताया गया है. हाँ हाँ बेटा, बस एक महीना भी नहीं, एग्जाम के जस्ट बाद शुरू होने वाला है. चलो आ जाओ. फंक्शनलाइजेशन इट मीन्स एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन टू सुपरविजन एंड मैनेजमेंट. मतलब सर स्पेशलाइजेशन को कहाँ ले आइए, सुपरविजन में ले आइए और मैनेजमेंट में ले आइए. मतलब जो इंसान एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सुपरवाइज कर रहा है उसी डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करेगा हमेशा के लिए. ये नहीं कि पूरा बोझा उठा के उसके सर पर डाल दिया, वो करेगा तो वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को करेगा. समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट, जब कोई चीज कोई इंसान किसी फील्ड को मैनेज करेगा तो उसी फील्ड को मैनेज करेगा और कहीं मैनेज हो नहीं करेगा. देखने को मिलता है ना सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को देखते हैं, एम्प्लॉयज को देखते हैं. फाइनेंस मैनेजर्स सर पैसा कहाँ से लाना उसे देखते हैं. और कौन से मैनेजर्स होते हैं सर? दुनिया भर के मैनेजर्स होते हैं सर. सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर होते कि नहीं होते, प्रोडक्शन मैनेजर होते कि नहीं होता है. स्पेशलाइजेशन ही तो है सर. बोलो क्लियर हुआ? इन सिंपलर वर्ड्स इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अंडरलाइन करोगी, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट
टू द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर एंटरप्राइज। बोलो समझ में आया? अरे बोलो। अब ये कैसे अप्लाई होगा सर ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट में? नंबर वन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर, एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर डी एच मैक्रेगोर, फिर से आ गए मैक्रेगोर साहब, एक बार और आए थे पहले, बताओ कहाँ, बताओ, इसी चैप्टर में आए थे मैक्रेगोर साहब, एक बार और, ऐसे भूलोगे? रिवीजन करते चलो भाई, बोले थे चैप्टर के साथ रिवाइज करते चलो, ये सबसे टेढ़ा चैप्टर है अब तक का, अगर लर्न नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, और इसको लास्ट में ही पढ़ना, जब बीओ टू पढ़ रहे होगे तो इस चैप्टर को लास्ट में पढ़ना, सारे चैप्टर्स के पहले कर लेना, ठीक है ना? ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, पीछे से देख के बता दिया। मैक्रेगोर कहते हैं द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ रैशनलाइजेशन कंप्राइज अंडरलाइन द राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो, सही हो, कैसा हो, सही हो, समझ में आया? एक सेकंड रुकना, चल रहा ठीक है, ओके क्लास, राइट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, एलिमिनेशन ऑफ द वीक एंड कंट्रोल, वीक एंड द कंट्रोल ओवर द एंट्रेंस ऑफ न्यू एस्टेब्लिशमेंट। क्या बोल रहा है सर, ध्यान से देखोगे, एलिमिनेशन ऑफ द वीक, सर जो कमजोर हैं, जो इंडस्ट्री में नहीं टिक पा रहे हैं उन्हें बाहर करो, बड़े कड़े शब्द हैं भाई, जो इंडस्ट्री में नहीं टिक पा रहे उन्हें बाहर कर दो। सर टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में आज की डेट में बीएसएनएल वीक हो चुका है, कोई रखा है यहाँ पे बीएसएनएल का सिम? कोई भी घर पे रखे होंगे, पापा रखे होंगे, चलाते हैं क्योंकि उनका नंबर पुराना है और वो चेंज नहीं करना चाह रहे। मेरे घर में एक बीएसएनएल का सिम है, उस पर वो पुराना नंबर है, उससे सर बैंक खाते अगर लिंक है, इस वजह से वो है, उसमें रिचार्ज करके उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक बार हम बीएसएनएल में कॉल किए, पहले की बात है, हम बोले कि भाई मेरे बीएसएनएल में नेट नहीं चल रहा है, कहा सर दो मिनट रुकिए, दो मिनट का पाँच मिनट हुआ, पाँच मिनट का सात मिनट हुआ, होल्ड पे ही दस मिनट हुआ, दस मिनट होल्ड सेट आया, हम के क्या हुआ भाई, कर सर थोड़ा समय लग गया, क्या हो गया, कर सर मेरा भी नेट नहीं चल रहा था। तो ये कंडीशन है इस समय बीएसएनएल की। तो बोलो बीएसएनएल वीक है कि नहीं है? फाइबर हमेशा से बीएसएनएल का ठीक था, सिम कार्ड नहीं ठीक था। तो बोलो भाई ये कंडीशन वीक है कि नहीं है, क्या बीएसएनएल को बाहर किया जाना चाहिए? इनके हिसाब से, मैक्रेगोर साहब के हिसाब से कर देना चाहिए, समझ में आया? और एंड कंट्रोल ओवर द एंट्रेंस ऑफ न्यू एस्टेब्लिशमेंट, और सर जो नए बिजनेस आ रहे हैं ना उनके ऊपर कंट्रोल बना लीजिए। बड़े ही हार्ड शब्द इन्होंने बोले हैं, बड़े ही हार्ड शब्द इन्होंने बोले हैं, तो मोनोपोली बन जाएगी सर। द एस्पेक्ट ऑफ रैशनलाइजेशन एम्फसाइज़ेस द फैक्ट दैट एफिशिएंसी विद विच इंडस्ट्रियस मैनेज देयर बिजनेस इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन द रेडीनेस विद विच दे कोऑपरेट विद ईच अदर और द अमाउंट ऑफ द फोरसाइट विद विच दे रेगुलेट कॉम्पिटिशन। दूसरे शब्दों में सर, अगर आपको इंडस्ट्री में टिकना है, आप कितने एफिशिएंट हैं मैटर नहीं कर रहा है, आप कितने एफिशिएंट हैं मैटर नहीं कर रहा है, ये मैटर तब कर रहा है कि आप सब साथ में कितना आते हैं और अपने लिए खतरे जो हैं उनको कैसे टाल सकते हैं, अपने कंपटीशन को हेल्दी कैसे बना सकते हैं और नए एंट्रेंट्स को बिजनेस में आने से कैसे रोक सकते हैं। समझ रहे हो, तुम्हारा बिजनेस है, कोई नया बिजनेसमैन आएगा, नुकसान तुम्हारा होगा, है कि नहीं है, तुम्हारा कस्टमर बेस जाएगा। मैं अभी शार्क टैंक देख रहा था कुछ दिन पहले सोनी लिप पे, तो उस पर एक आया था, वो क्या नाम है तुम्हारा, ये हेडफोन की कंपनी का था, नया नया स्टार्टअप था, वो मांग रहा था भाई सर उनको फाइनेंस दे दो। तो उन्हीं शार्क टैंक में आगे बैठता है अमन गुप्ता, एंड अमन गुप्ता इज द फाउंडर ऑफ बोट, अगर आपको पता होगा, और एंड ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये भी पता होगा। तो वो सर बोट के फाउंडर है, वो बैठे थे, तो उन्होंने बोला कंपनी में हमको इतने परसेंट इक्विटी के लिए चाहिए। उसने बोला पूरी कंपनी का रेट बताओ, पूरी कंपनी का रेट बताओ, एक करोड़ रुपया लो कंपनी हमको दे दो। क्यों कंपनी मांग रहा था? ही वॉन्टेड टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिशन। ऑलरेडी मीवी आ चुका है, इंटेक्स पहले से है मार्केट में, इंटेक्स बहुत पहले से है मार्केट में, हम इंडियन ब्रांड की बात कर रहे हैं, सोनी को हटाओ, इंडियन ब्रांड की बात करो ना, इंटेक्स इंडियन है बहुत पहले से, आईबॉल इंडियन है बहुत पहले से है, बोट किसी तरह नाम बना रहा है, मीवी आ ही चुका है, लीफ आ ही चुका है, एक और नया आ जाता। ही डायरेक्टली सेड पैसा बताओ कितना लोगे भाई कंपनी के लिए, कंपनी हमको दे दो। समझ रहे हो, कंपटीशन को एलिमिनेट करना इतना जरूरी होता है कि नहीं है? बहुत जरूरी है सर। द एस्पेक्ट ऑफ रैशनलाइजेशन, अच्छा ठीक है, द मोर परफेक्ट द यूनिफिकेशन ऑफ द इंटरेस्ट्स, जैसा जितना ज़्यादा ये लोग एकत्रित रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, यूनिफाइड रहेंगे, ईजियर वुड बी द रियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उतना इन लोग को अंदरूनी और बाहरी दोनों फायदे होंगे। बोलो क्या समझ में आया? लेकिन क्या आप लोग के लिए अच्छी बात है सारे इंडस्ट्रीज सारे बिजनेस यूनाइटेड रहें, क्या आप लोग के लिए अच्छी बात है? नहीं है सर, जियो करें नहीं, वो कंज्यूमर छोड़ो,
एज अ न्यू बिजनेसमैन अपने आप को सोचो, तुम्हारा भी नुकसान है भाई, यूनाइटेड एमआर के बाहर कर देंगे, हम क्या करेंगे फिर, समझ रहे हो? ओके, नंबर टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट। फाइनेंस मतलब सर पैसे के अरेंजमेंट करना, हमको पैसे की जरूरत है, हम पैसा ला सकते हैं। अंडर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट रैशनलाइजेशन इज कंसर्न विद द फैक्ट दैट वेरियस यूनिट्स ऑफ द रैशनलाइज इंडस्ट्री आर नाइदर, अंडरलाइन करोगे, नाइदर ओवर कैपिटलाइज्ड, न जरूरत से ज़्यादा पैसा इसमें लगा हो, नॉर अंडर कैपिटलाइज्ड, न जरूरत से कम पैसा हो, बट फेयर कैपिटलाइज्ड, फेयर मतलब ठीक ठाक जितना होना चाहिए, समझ में आया? बिसाइड दिस इट एम्फसाइजेस द नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट थ्रू सेल्फ रिलायंस। क्या बोल रहा है? सो मॉडर्नाइजेशन करिए इक्विपमेंट्स का, लेकिन खुद से करिए, अपने पैसे से करिए। हर बार जब आपको पैसे की जरूरत हो, हाथ मत फैला दीजिए जनता के सामने, आपको वापस भी देना पड़ेगा वो पैसा, है कि नहीं है? अरे बोलो, यस सर। पाकिस्तान जब भी पैसे की जरूरत होती थी, चाइना के सामने चला जाता था, पैसा दो, बच्चे जाते ना, पापा पैसा दो, वो जाता था पैसा दो, वो कहता था लो, पापा पैसा दो, कहता था लो, पैसा लेते 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 ये समय आ गया कि अब पाकिस्तान चुका तो सकता नहीं है भाई, क्या उसके वहाँ बनता क्या है, एक सुई की नोक तो उनके वहाँ बनती नहीं है, वो पैसा चुकाएंगे, तो अब क्या हो रहा, वो ज़मीन दे रहा धीरे धीरे चाइना को, और देखना वो दिन दूर नहीं है यार, तुम लोग की बुढ़ापे बुढ़ापे तक ना पूरा पाकिस्तान पर चाइना कब्जा कर चुका होगा, टिबेट पर कर ही लिया, साउथ चाइना सी पर अपना दावा ठोक ही रहा है कि नहीं, भारत में फाइव फिंगर, तुम्हारे इधर ये क्या नाम है, कहता है कि तिब्बत जो है ना वो हथेली है और उसकी पाँच उंगलियाँ हैं, अक्साई चिन उसको ऑलरेडी कब्जा कर चुका है वो, उसके अलावा नेपाल को एक उंगली बताता है, अपने अरुणाचल प्रदेश को एक उंगली बताता है, सिक्किम को एक उंगली बताता है, और एक और चीज़ है, पांच चीज़ों को बोलता है कि तिब्बत के पांच उंगली है, इसको हम कब्जा करके रहेंगे। अभी रिसेंट में उसने अरुणाचल प्रदेश के 15 नावों का गाँव का नाम बदल के अपने नाम पर रख दिया कि चाइनीज है। लेकिन सर अच्छी बात यह है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो लोग भाई बंधु हैं वो सीधे कहते हैं भैया तुम जाओ, हम हैं तो हम इंडियन ही हैं, वो साफ बोल देते हैं कि हम हैं ही नहीं तुम्हारे चाइनीज, उसके नाम बदलने से क्या हो जाते हैं, जैसे ही आर्मी वाले आते हैं ना गांव वाले पत्थर मार मार के भगा देते हैं चाइनीज़ों को, ये स्थिति है। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? तो सर इसी प्रकार से ऐसा आप पाकिस्तान वाली स्थिति मत करिए कि लाओ भाई पैसा दो पैसा दो, अब आपने चुकाने की बात है कंपनी बंद कर दो, प्रभु माफ करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आया? सेल्फ फाइनेंसिंग इन्वॉल्व्स अ कंजर्वेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। क्या बोल रहा है सर? प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट होता है तो देखो कंपनी वाले क्या करते हैं ना, उस प्रॉफिट को बांट देते हैं, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पैसा बांट दिया जाता है। नालको एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है जिसमें 51% होल्डिंग सरकार की है, मेरे पास उसके शेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है? तो नालको क्या करती है ना, हर बार डिविडेंड देती है, इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर देगी, फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर देगी, डिविडेंड पे डिविडेंड बांटती रहती है, लेकिन कई बार लॉस में भी चली जाती है। तो कह रहा है भाई डिविडेंड मत बांटो, पैसा बचाए रखो, उसी पैसे से कंपनी को मॉडर्नाइज करो, समझ में आ रहा है? उसी पैसे से डिविडेंड मत बांटो, एंड ऑल्सो लिबरल प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस एंड रिन्यूअल ऑफ रिजर्व्स, और रिजर्व बनाओ, जनरल रिजर्व याद है, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दुनिया भर के हुआ करते थे, उसी की चर्चा वो कर रहा है। कॉमर्स वाले यार तुम लोगों को तो ये सब रटा होना चाहिए। और सोशल एस्पेक्ट, द एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द ILO इन इट्स रिपोर्ट ऑन द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रैशनलाइजेशन रिकॉग्नाइज दैट, सिर्फ अंडरलाइन करोगे, रैशनलाइजेशन ऑपरेटेड बाई प्राइवेट कैपिटलिज्म इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट रिक्वायर्स टू बी ब्रॉट अंडर सोशल कंट्रोल विच मस्ट बिफोर लॉन्ग रन। क्या बोल दिया सर, कुछ है नहीं समझ में आया, ये बोलना क्या चाह रहा है, कोई समझाएगा लाइन क्या बोलना चाह रही है? ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, करो करो, बहुत हार्ड लाइन नहीं है। अच्छा ओके, और एनीवन बोलो बेटा, करो करो, ट्राई करो, नहीं अरे ध्यान से पढ़ोगे मेरे साथ एक लाइन, रैशनलाइजेशन ऑपरेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिज्म, यानी कि सर जो प्राइवेट कैपिटलिज्म है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो तुम्हारे बिजनेसमैन नहीं होते हैं, ये रैशनलाइजेशन करते हैं, तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। तो रैशनलाइजेशन ऑपरेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिज्म इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट्स रिक्वायर्स टू बी ब्रॉट अंडर सोशल कंट्रोल। सर इस जो इनका प्रॉफिट प्रॉफिट जो चिल्लाते हैं, जो प्रॉफिट प्रॉफिट इनका ध्येय है, इसको सोशल कंट्रोल के अंदर में ले आइए, यानी कि कुछ सामाजिक इन पे वो भी लगाइए, सामाजिक रिस्ट्रिक्शन भी लगाइए, मतलब सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट के चक्कर में समाज का बुरा ना कर दें। ये सर इनको प्रॉफिट दिख रहा है तो जौ से बियर बनाएंगे, गेहूं से बियर बनाएंगे, खाने के लिए छोड़ेंगे ही नहीं। सर इनको सिर्फ प्रॉफिट दिखेगा, ये अंडे से शैम्पू बनाएंगे, सिर्फ शैम्पू बनाएंगे, गरीबों का खाने के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। ये सर ये अंगूर से सिर्फ वाइन बनाएंगे सर,
क्या गरीबों को खाने के लिए अंगूर बिकेगा? नहीं बिकेगा सर, सोशल कंट्रोल में इनको ले आई। सिर्फ रैशनलाइजेशन अच्छी बात है, लेकिन हाई धुन रैशनलाइजेशन भी अच्छी बात नहीं होती है। समझ में आया? रैशनलाइजेशन इज नॉट मेनली अ मैकेनिकल साइंस। सिर्फ ये सिर्फ मैकेनिकल साइंस नहीं कि खाली पैसा कमाते जाओ छापते जाओ, समझ में आ रहा है, बट ऑल्सो ह्यूमन आर्ट। ये ह्यूमन आर्ट विद ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ रैशनलाइजेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट इन द रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर। सर जब आप लेबर ले आ रहे हैं तो उनको सैलरी वेजेस अच्छे दीजिए। रैशनलाइजेशन का ये मतलब नहीं कि उनको कम पैसे में कर दीजिए। समझ में आया? द रिमूवल ऑफ कॉजेज ऑफ लेबर डिसकंटेंट। अगर आपका लेबर डिसकंटेंट यानी कि असहमत है, आपसे संतुष्ट नहीं है, तो उस रीजन को हटाइए। अब आप पानी ही नहीं दे रहे हैं उसको साफ, कहीं जा टोटिया से पानी पी लो, गलत है कि नहीं है भाई? उसके लिए भी सुविधाएं करिए। द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट इंसेंटिव। अगर आपका सेल्स का कोई इंसान है, इंसेंटिव वगैरह मेनली सेल्स में मिलते हैं कि सेल्स का कोई बंदा है वो सामान घूम घूम के बेच रहा है, कर बेच दिए, कर सर हम 10 लाख की सेल करवाएं आपकी, आपने कहा वेरी गुड 0.1% ले जाओ, गलत है कि नहीं? बिल्कुल है सर, तुरंत वो विरोध करेगा, हम इतना मेहनत किए कम से कम 1% तो दो। द रिकॉग्निशन ऑफ गुड एंड एफिशिएंट इन डिफरेंट वर्कर्स। यानी कि सर जो आपके अच्छे वर्कर्स हैं उनके रिकॉग्नाइज करिए, उनके लिए तालियां बजवाइए, अवार्ड वगैरह दीजिए, कंपनी करती है ना। और इन डिफरेंट वर्कर्स का मतलब ये अच्छे वर्कर हैं, ये नॉर्मल वर्कर हैं, नॉर्मल अच्छे वाले अच्छे हैं। भाई जो बच्चे आप लोग जब स्कूल में टॉप किया करते थे तो क्या मिलता था? ट्रॉफी मिलती थी, मेडल मिलते थे, सर्टिफिकेट्स मिलते थे, क्या था आपका? रिकॉग्निशन था। वो होता कुछ नहीं था उससे। यहाँ पे चले जाओ विजय चौराहे के पास, कई सारे दुकानें मेडल बनवा लो इतने बड़े 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 200-300 रुपये दे के, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक रिकॉग्निशन होता है भाई। समझ में आ रहा है? उसकी वैल्यू होती है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री स्कीम्स फॉर प्रमोशन एंड रेमुनरेशन एसेट्रा। उन वर्कर्स की प्रमोशन के लिए, उनके रेमुनरेशन यानी उनके पेमेंट वगैरह के लिए अच्छी खासी स्कीमें ले आइए। दैट इज वॉट इज सोशल एस्पेक्ट। क्या है ये? सोशल एस्पेक्ट। बोलो समझ में आया? बोलो। ओके सर, वेरी 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 गुड। नेक्स्ट टॉपिक है सर, रैशनलाइजेशन वर्सेस साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक मिनट का टाइम दे रहे, इस पूरे टॉपिक को गो थ्रू कर लो एक मिनट में, फिर बताओ कोई डाउट है। जल्दी जल्दी जल्दी। बोलो कोई डाउट? एनीवन? स्टार्ट कर दे क्या? चलो कल देख के आना डाउट, अगर हो तो पूछना है, ठीक है? आजा भाई, रैशनलाइजेशन वर्सेस साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या रैशनलाइजेशन में और साइंटिफिक मैनेजमेंट में कोई अंतर है? क्या अंतर है कृष्णा, है तो बताओ। साइंटिफिक मैनेजमेंट में चीजें साइंटिफिकली और उसके हिसाब से चलेंगी, रैशनलाइजेशन में वो डिपेंड करती है मैनेजर पे की। अच्छा, ओके, कस्टम्स पे। ओके, मेरे हिसाब से सर ज्यादा अंतर इन दोनों में नहीं है, ये दोनों लमसम सेम है। रैशनलाइजेशन भी साइंटिफिक तरीका ही है। समझ में आ रहा है? मेरे हिसाब से कोई विशेष अंतर इसमें नहीं है। बाकी देखते हैं बुक क्या कहती है। एज अ मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन बोथ साइंटिफिक एंड रैशनलाइजेशन इम्प्लाई बोथ, मतलब दोनों इम्प्लाई, अंडरलाइन करोगे, इम्प्लाई द रिप्लेसमेंट ऑफ एंटीक्वेटेड प्रैक्टिस बाय साइंटिफिक मेथड्स। यानी कि सर जो आपकी पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, जो चली आ रही प्रैक्टिसेस, उनको बदलिए किससे? साइंटिफिक मेथड्स से। समझ में आया? बोलो। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। बुक के हिसाब से भी दोनों लमसम सेम है, ठीक है? बोथ आर इक्वली कंसर्न विद द टेक्निकल इंप्रूवमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। सर दोनों बात किसी करते हैं? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की। बोलो कोई समस्या नहीं सर। बट इन स्पाइट ऑफ दिस कॉमन ग्राउंड देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैट। बुक बोलती है इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? रैशनलाइजेशन डिफर फ्रॉम साइंटिफिक मैनेजमेंट द फॉलोइंग एसेट्स। नंबर वन, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। यहाँ पे सर अब नीचे के जो 6-7 पॉइंट है, यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट अलग हो जाती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अलग हो जाती है और रैशनलाइजेशन अलग हो जाता है। कैसे? देखोगे, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट कन्फाइंस इट्स एक्टिविटीज टू अ सिंगल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसकी बात करता है?
सिंगल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज की एंड इट ट्राइज टू अवॉइड वेस्ट विद इन दैट कंसर्न थ्रू अ क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट्स. रैशनलाइजेशन ऑन द अदर हैंड एम्ब्रेसेस ऑल द एंटरप्राइजेस ऑफ एन एंटायर इंडस्ट्री इन इट्स स्कोप. दूसरे शब्दों में सर, जब बात होती है, इधर देखोगे सर, बात होती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, ये बात करता है एक सिंगल इंटरप्राइज की. किसकी बात करता है? सिंगल इंटरप्राइज की. लेकिन रैशनलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, ये बात क्या करता है? इंडस्ट्री एज अ होल. रैशनलाइजेशन मैक्रो है, याद है? पॉइंट्स बनाना शुरू कर दें क्या? आओ पॉइंट्स बनाना शुरू कर देते हैं, जिसको आप लोग बाद में आराम से पढ़ सकते हो. सर बुक अगर इन्हीं चीज़ों को आसान से बना के दे देती, सोचो कितना अच्छा होता. नहीं, लेकिन बुक को मज़ा आता है आप लोगों को दिखाने में टेढ़ी टेढ़ी चीज़ें. देखो ये रहा सर हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, दिख रहा है बोर्ड? और ये रहा हमारा रैशनलाइजेशन. बोलो क्लियर हुआ? पहला पॉइंट है सर कोऑपरेशन में कन्फाइंड एक्टिविटीज टू, ठीक है. ये क्या करता है? सिंगल, क्या करता है ये? सिंगल इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज, सिंगल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज. बोलो समझ में आया? लेकिन सर हमारा जो रैशनलाइजेशन होता है ये किसकी बात करता है? एंटायर इंडस्ट्री. किसकी बात करता है? एंटायर इंडस्ट्री. बोलो क्लियर हो रहा है? अरे बोलो भाई. सर ये बात करता है एंटायर इंडस्ट्री की. आगे देखोगे, इट एम्स एट एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट थ्रू आउट द इंडस्ट्री बाय सीकिंग अ कोऑपरेशन फ्रॉम एलाइड एसोसिएटेड कंसर्न. सही बात है सर, हम लोग तब से देख रहे हैं कि सारी इंडस्ट्रियों को सर साथ आना पड़ेगा, सारे फर्म्स को साथ आना पड़ेगा. फायदा किसको होगा? सबको एक साथ होगा. बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है सर. अनलाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट इज एब्सर्ड टू थिंक ऑफ रैशनलाइजेशन दैट इट कैन बी इंट्रोड्यूस प्लेस मील इन वन यूनिट ऑफ इंडस्ट्री लिविंग द अदर यूनिट्स अनअफेक्टेड. यानी कि सर रैशनलाइजेशन सिर्फ एक यूनिट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, जब भी होगा तो सब में हो. बोलो समझ में आया? पक्का? नंबर टू, इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रैशनलाइजेशन ड्राइव. सर इसमें इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन होता ही होता है. किसमें? स्टैंडर्डाइजेशन में. समझ में आया? यानी कि रैशनलाइजेशन में इसमें होता है तुम्हारा इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन. आप लोग को भी आगे चल के नोट्स ऐसे ही बनाने हैं, समझ रहे हो क्लास? आगे चल के कुछ भी पढ़ोगे लिखोगे, इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है. समझ में आया? रैशनलाइजेशन में इट कैन नॉट डिराइव मेनी ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव विदाउट रूटिंग आउट बिजनेस राइवलरीज एंड बिजनेस जेलेसीज. मैं ये बोल रहा है सर, रैशनलाइजेशन के आपको कई सारे फायदे नहीं मिलेंगे अगर इंडस्ट्रीज की आपस में राइवलरी होगी, दुश्मनी होगी और जेलेसी होगी. बंटी सो गई, जगह रहो. ठीक है. साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज नथिंग टू डू विद एन इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन एंड इट ट्राइज टू इम्प्रूव मैटर्स ऑन द इंडिविजुअल बेसिस. यानी कि सर हमारा जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है यहाँ पे क्या इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन नहीं होता है. हमेशा किसकी बात करेगा? सिंगल यूनिट की. किसकी बात करेगा? सिंगल यूनिट. तो मैं यहाँ लिख दूँ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है. बोलो क्या समझ में आया? अरे बोलो क्लास. तो सर आज के लिए इन्हीं दोनों पॉइंट पर आप अपनी क्लास को रोकेंगे. मैं चाहूँगा इन दोनों पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में लिख लो, कॉपी में, बुक में, जहाँ भी स्पेस मिले. और कोशिश करना है नीचे स्पेस छोड़े रखना, क्योंकि तो जितने सात के सात पॉइंट हैं हम सातों के सातों को ऐसे शॉर्ट करके लिखने वाले हैं. ठीक है, चलो. तो आज के लिए इतना ही करते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.